पटना के अंदर जो कुशासन है, जिस प्रकार की राजनीतिक अराजकता पैदा करने का प्रयास हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के मिशन को रोकने के लिए जिस प्रकार की साजिशें हो रही हैं, उन सब को बेनकाब करने के लिए आप सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों ने पिछली बार भाग्यनगर कॉरपोरेशन चुनाव में अपनी ताकत का एहसास कराया था और हमें विश्वास है कि आज पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन देखने को मिला है वह आप सबके सामने है। मुझे आश्चर्य होता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मैंने 45 लाख गरीबों के मकान आवास बन जाते हैं, उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलता है और कोरोना कालखंड में पिछले 28 महीनों से उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को डबल इंजन की सरकार है तो महीने में 2 बार फ्री में राशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। लेकिन भाइयों बहनों, तेलंगाना के अंदर कोई भी केंद्रीय योजना को ईमानदारी के साथ लागू करने की बात तो दूर, अगर कोई केंद्रीय योजना लागू भी होती है तो उस योजना पर अपना ठप्पा लगाने का कुत्सित प्रयास भी होता है। अब वह दिन दूर नहीं जब आपका उत्साह एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की तर्ज पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में तेलंगाना में भी कमल खिलाने का कार्य करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए।